मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वेब की दुनिया, वेब 1 2 3 आखिर क्या है? ये वेब कहां से स्टार्ट हुआ? 1 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था? भैया समझाओगे क्या? समझा देंगे सर। फोर स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मसूद अहमद, मैं हूं अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी। क्या था ये वेब 1 वेब 2 वेब 3? देख भाई शाहजी, मेरी एक मिनट पहले मेरी बात सुन ले भाई। ये है 1.0 के दौर वाले, यही बताएंगे वेब 1.0 को। भाई हम तो जब आए थे ना 2.0 स्टार्ट हो गया था, तो आगे चले। ये देखो कल के बच्चे बड़े हमें बुढ़ा बना दिया, खुद बच्चे बन गए। देख ले आप अपनी, देख ले स्क्रीन कहाँ जा रहे हैं आपके कद। हमारे तो देखे ना, हम कद छोटे चले गए। उस दौर के लोगों के कद ज्यादा बड़े थे। देख ले इतने पुराने जमाने के प्रोग्राम में हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमें अपना एक कैमरा ऊपर एडजस्ट करना पड़ता है, एक कैमरा नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। जहां तक कदों के हिसाब है ना, दूध किया करो, कोक पेप्सी से नहीं कद बढ़ने वाले। हाँ, अच्छा। ये कोक पेप्सी की पैदावार, ये देखो बैठे हैं देसी घी की पैदावार। बाबा आदम के जमाने के। अरे बात सुनो, बात सुनो, पर्सनल होना है या वेब 1 2 3 को डिस्कस करना है? अच्छा, ये दूध मक्खन मलाइया खा के ना दोनों अपने टेस्ट करवाने जा रहे होते हैं, एक अपनी फाइल शेयर कर रहा होता है और कोक पेप्सी वालों को कह रहे हैं कि दूध पिया करो। है बेटा कुछ ज्यादा नहीं होता। यार मैंने मजाक नहीं किया था, सिर्फ हम उसे पढ़ सकते थे कोई भी टॉपिक हो। फिर आई वेब 2.0 आई, उसमें क्या होता था कि उसमें हम पढ़ भी सकते थे और हम राइट भी कर सकते थे। इस वक्त जो चल रहा है वो भी तो वेब 2 है। हाँ जी, ये वही सेकंड जनरेशन ही कहेंगे वेब की, कि जिसमें हम अपना इनपुट भी डाल रहे हैं, इनपुट भी डाल उसे पढ़ भी रहे हैं और काफी हद तक इंटरेक्टिव है। हाँ जी, तो आगे क्या आने वाला है? 1.0 जो था ना, 1.0 में काफी सारी चीजें थी वहां पे ना। एक तो स्पीड का बड़ा इशू था चीजों को करते हुए ना, उस टाइम ना स्पीड का, इंटरनेट का स्पीड का बहुत इशू था। उस टाइम केबीज में 100 KBS जो है 128 KB पे अगर किसी का नेट कनेक्ट हो जाता था ना, तो वो कहता था कि आज मैं जन्नत में हूँ। नहीं यार, वो बातें कर रहे हैं, मैं अपने दौर की सही सही बात बताता हूँ कि ब्रेन नेट का नेट हम यूज कर रहे हैं, 1 KB स्पीड आ रही है और उस 1 और 2 KB के ऊपर मैंने 1 GB का डाटा डाउनलोड किया हुआ है जिसमें मुझे कई महीने लगे। तो आपने और गेट राइट, और गेट राइट सॉफ्टवेयर नया नया आया था जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि वो यानी कि आप इस वक्त तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर काफी यूज करते हैं ना आप लोग, लेकिन हम गेट राइट उस जमाने में नया नया आया और उसने ये मुमकिन बनाया, वरना उससे पहले मुमकिन ही नहीं था। तस्वीरें नहीं उतरती थी यार, कह रहे ना पुराने, बहुत देखा है, बहुत देखा है, मैं कह रहा था ना, अब आपको पता चला कि कितने पुराने हैं। हम मानते हैं ओल्ड इज गोल्ड, हम मानते हैं यार, इसमें क्या है, आप भी हो जाएंगे पुराने। लेकिन ये बाकी जो है ना, उसमें फिर एक था कि एक तो इंटरनेट स्लो था, फिर जस्ट रीड की फैसिलिटी थी हमारे पास, फिर वो उस टाइम के जो पीसी थे वो पेंटियम सीरीज और उससे पहले वो सारा था। फिर उसी दौर में ही हमारे पास जो है ना, ये मैं 95 से 2006 था। हाँ, फिर उसके बाद आ गया ये हमारा 2.0 आया, इसके अंदर जो है ना हमारे पास सिक्योरिटी भी बढ़ गई, इंटरनेट की स्पीड भी बेहतर हो गई, काफ़ी बेहतर हुई। मतलब हम 2.6 में हमने लगवा लिया था, ऐसे ही है वो, हम वो कनेक्टिविटी से बाहर आ गए। ठीक है, मुझे एक याद है आवाज़ कितनी अच्छी तरह, वो इतनी सुरीली आवाज़ थी अपनी तरफ से, तो बहुत वाहियात आवाज बनाई थी, लेकिन हमें बड़ी अच्छी लगती थी जब वो एंड पे टी पॉइंट कुछ कड़क होता था, कड़क करते थे ना, करेक्ट नेट कनेक्ट हो गया और वो एक पॉप अप आता था और 2 मिनट बाद पता चलता था कि ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट हो गया और फिर डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं डेनकॉम का कार्ड लेता था, 20 रुपए पता नहीं 30 रुपए का आता था, नाइट ऑफर होती थी, 11 बजे के बाद चलेगा, सुबह तक चलेगा, खत्म। वो जिन भी तो आए थे ना उन दौर में, जिन कार्ड भी आए थे, वो कार्ड्स का फिर ये दौर चौका छक्का आया, फिर और चैटिंग का जो शौक था और जो चैटिंग क्लब्स बने हुए थे, MLRC हो गया, मुख्तलिफ चैट रूम्स होते थे, और ये याहू मिला था हमें स्टार्ट में ही, वेब 1.0 में याहू ही था, उसके माई स्पेस और ये थे, नहीं थे
वो रीड एंड राइट से फिर वो बात ऑडियो विजुअल वीडियोस और 4K और AI पर 100 Mbps पे 100 की स्पीड पे इंटरनेट पे चले गए, फिर अब तो 200 प्लस की बात हो रही है ना अभी तो। वो कनेक्ट डाउनलोड भी हमने वेब 2.0 में भी 1GB कुछ कंट्रीज के अंदर ये फैसिलिटी भी आई थी डाउनलोडिंग की, और अभी भी है। ठीक है, फिर आ गया जनाब साहब इंटरनेट का तीसरा दौर जो अब आ रहा है, जो अब आ रहा है मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी, जिस पे ना वो एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें नवीद भाई को ना जैसे चक्कर आ गए थे ना वो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे वो लिंक आ रहा है, वहां से वो वीडियो देख लें जिसमें चक्कर दिखाओ तुम। तो ये अब मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी बिल्कुल AI का दौर और ये रोबोटिक्स सारा और इंटरनेट और ये स्टारलिंक का जो हम बात कर रहे थे कि स्टारलिंक का भी वो भी अगर किसी ने प्रोग्राम नहीं देखा तो यहाँ लिंक आ रहा होगा कि स्टारलिंक किस तरह पाकिस्तान में आ रहा है। जी तो ये सारी चीज़ें अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चलें जी वेब 3.0 को शायद हम देख लेंगे, वेब 4.0 में क्या होगा, फोर्थ जनरेशन क्या होगी, कितने साल बाद वो चेंज होगी, क्योंकि अब स्पीड तो बढ़ रही है तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। 13 साल में आ गया थर्ड वेरिएंट आ गया, तो मेरे ख्याल 10 साल में आ गया, 7-8 साल में ही शायद कुछ या 10 साल ऐसे ही ऐसे ही वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो लॉन्च हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वेब जो है वो हाई स्पीड की कनेक्टिविटी जो ऑप्शंस पैदा हो रहे हैं, जैसे कि ये स्टारलिंक आ रहा है, बिल्कुल एलन मस्क नई चीजें लेकर आ रहा है, स्पीड ज्यादा बेहतर हो गई। इधर से जो वो है वो मेटा वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड एक क्रिएट हो रहा है, वर्चुअल मार्केट क्रिएट हो रही है, क्रिप्टो करेंसी भी एक चीज आ रही है, और इधर से जो वेब है आपका वो भी उसपे काम कर रहा है और वेब 3 में जाने के लिए तैयार बैठा है, वेब भी उधर कन्वर्ट हो रहा है ना AI। तो इट मींस कि अब एक रेवोल्यूशन जो है वो वेब की दुनिया में, नेट की दुनिया में, स्पीड की दुनिया में एक और स्टेप हम और आगे जाने वाले हैं। Very good, yeah. अभी रेबन ने ग्लास लॉन्च किया, ग्लासेस अपने लॉन्च किए हैं जिसमें उन्होंने दोनों स्मार्ट ग्लासेस जिसमें फेसबुक के साथ मिलके जिसमें दोनों साइडों पे उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं, उसमें माइक भी लगा हुआ है, उसमें स्पीकर भी लगे हुए हैं। आपने वो बेसिकली उन्होंने बनाया है इंस्टाग्रामर्स के लिए जो स्टोरीज बनाते हैं ना, तो चलते हुए अपनी स्टोरीज बनाएंगे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट। मुझे इसमें पता क्या लगता है कि जो 3.0 का दौर होगा ना, इसमें VR अभी बड़े बड़े हैं, ठीक है, ये स्मार्ट होते 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 जाएंगे, और इसका जब एंड होगा और 4.0 पे हम आएंगे ना, तो तब स्मार्ट ग्लासेस से भी हम बाहर आ जाएंगे, चिप्स आ जाएंगे, फिर हम ये वही न्यूरोलिंक वाले न्यूरोलिंक पर आ जाएंगे, वो चिप जो होगा मुझे लगता है कि वो एक दौर आएगा जो फिर एक चेंज होगा। और ये जो कार्ड हम अभी यूज कर रहे हैं, अभी जो सैलरीज हमारी कार्ड के जरिए आ रही है, और जो हम ये कार्ड और ATM ये तो 3.0 में खत्म हो रहा है, ये आने वाले दौर में 0 में तो खत्म हो रहा है, बिल्कुल ये चीजें खत्म हो रही हैं। आप जस्ट एंटर होंगे कहीं पे और इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फीड होती चली जाएगी, बिल्कुल ऐसी है। और मैं यहाँ पे बड़ी एक गौर तलब बात मेरे ख्याल में इसी के साथ हम प्रोग्राम को एंड करेंगे, आप गौर करके देखिएगा कि जिस भी चीज को अगले 10 सालों के बाद इम्प्लीमेंट करना होता है उसकी तैयारी उससे पहले शुरू हो जाती है। आपने गौर करके देखिएगा कि ये चिप्स का मामला जो है इसके ऊपर एक खास लोग कैंपेन कर रहे हैं, लगवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो इससे कुछ नहीं होता। अब उनके पास ये 10 साल का टाइम है कि उन्होंने ये रियलाइज करवाना है दुनिया को कि अगर ये नहीं लगवाओगे तो जिंदा नहीं रह सकोगे, बहुत पीछे रह जाओगे। जैसे उन्होंने पिछले 10 साल क्रिप्टो को एक्सेप्ट करवाने पे लगवाए और 2021 में उन्होंने पकड़ लिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता,
अब तो NFT पे भी आओगे तुम लोग, अब तो वर्चुअल रियलिटी पे भी आओगे, अब तो डिजिटल करेंसी भी तुम यूज करोगे, जितना मर्जी तुमने इनकार करना था कर लिया, क्योंकि वो एक खास लिमिट जो चाहिए थी उन लोगों को एक्सेप्ट करने की उन चीजों को, वो उनकी कंप्लीट हो गई। बिल्कुल। तो अब आप गौर कीजिएगा इस चीजों पे कि ये सारे मामलात किस तरह चल रहे होते हैं, और चिप्स पे अगर हम ऐसे नहीं कर रहे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। आप देख लीजिएगा कि ये जो भी चीज आने वाली होती है 10 साल पहले उसको, उसकी कहीं ना कहीं मूवी आती है, कोई ड्रामा आता है, कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है, आइडियाज डाले जाते हैं। हमारे यूट्यूबर भाई हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, रेहान अल्लाह वाला भाई ने। हाँ बिल्कुल, किया हुआ है, वो प्रमोट कर रहे थे पिछले दिनों कि मैंने लगवाई है, तो आप इससे देखेंगे कुछ नहीं होता, उनकी वीडियो देखिएगा उनकी वीडियो। तो ये कुछ लोग, ये भी बड़ा अजीब सा मामला है, ये कुछ लोग पता नहीं ये कहाँ से प्लांट होते हैं, आते हैं नहीं आते, ये कैसे, क्या कुदरती कुदरत की तरफ से ये मामला चल रहे हैं, क्या इनके वो है, जो चीज़ आनी है वो 10 साल बाद आ जाएगी, आप मजबूर हो जाएंगे, और ये सब उसकी तैयारी हो रही है, और एक खास लिमिट उन्होंने पूरी करनी होती है कि इतने वर्ल्ड में लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च। तो इसी के साथ जो है, अगर आपने इस प्रोग्राम से कुछ एंजॉय किया हो, नॉलेज लिया हो, तो जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और वो कोरोना के 10 साल पहले तो कोरोना वाली मूवी आई थी ना, बिल्कुल, हाँ। और वो देखो आ गया कोरोना, आ गया बिल्कुल। आपने अल्लाह हाफिज़ की? हाँ नहीं किया यार कल।